सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, प्रेरणा DBT के माध्यम से आधार वेरिफिकेशन कैसे करें, यह आधार वेरिफिकेशन DBT द्वारा स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस आपको इस वीडियो पर संपूर्ण जानकारी के साथ आपको बताया जाएगा। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो या लेटेस्ट अपडेट्स, किस प्रकार से फ़ोटो अपलोड करें छात्र छात्राओं के, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि यह वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा, साथियों को शेयर करिएगा और देखते हैं साथियों। साथियों, प्रेरणा DBT ऐप के माध्यम से छात्र छात्राओं का आधार प्रमाणीकरण, सर्वप्रथम आपको अपने मोबाइल पर प्रेरणा DBT ऐप को डाउनलोड करें एवं उसे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर के आएगा, जिसमें लॉगिन करने के पश्चात कुछ इस प्रकार का स्क्रीन आएगी। इसमें DBT ऐप के ऑप्शन पर जाएं, बीच में DBT ऑप्शन है उसको क्लिक कर लीजिए। इसके पश्चात जिसमें इस प्रकार से छात्र छात्राओं की लिस्ट ओपन होगी, जिसमें आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जो वेरीफाई का ऑप्शन दिया हो उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात इसके बाद पूछेगा कि आप छात्र छात्रा का वेरीफिकेशन करना चाहते हैं, हाँ या नहीं। आपको हाँ पर क्लिक करना है, यस पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके पश्चात विद्यालय में नामांकित सभी छात्र छात्राओं का वेरीफिकेशन इस प्रकार करना है। इसके पश्चात आपको नीचे लिखा मिलेगा नेक्स्ट पर क्लिक करना है, जिसके पश्चात विद्यालय का UDASCORE तथा विद्यालय में उक्त दिनांक तक नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या पृथक पृथक भरकर नेक्स्ट क्लिक करें एवं कक्षाएं आवंटित करें, जिसके पश्चात पूरे छात्र छात्राओं की लिस्ट खुलेगी, जिससे उन छात्र छात्राओं का आधार प्रमाणीकरण का कार्य करना है। यहाँ पर आपको कक्षावार छात्र छात्राओं को आवंटित करना है कक्षाएँ या शिक्षकों को। इस प्रकार से आवंटित करने के बाद छात्र छात्राओं का आधार प्रमाणीकरण कक्षावार खुलेगा। कुछ इस प्रकार की लिस्ट खुलेगी जिसमें आपको विवरण भरें पर क्लिक करना है। विवरण भरें क्लिक करेंगे, उसमें से भरने में पूछेगा छात्र छात्रा का आधार बना है, यदि नहीं बना है तो नहीं पर क्लिक करें, यदि बना है तो हाँ पर क्लिक करें। और क्लिक करते ही आप आधार का सारा डिटेल यहाँ पर भरेंगे, जैसे नाम, लिंग, केयर ऑफ माता पिता का नाम एवं आधार संख्या आधार से मिलान करके भरें। समस्त सूचना भरने के पश्चात क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको नोट करते जाइएगा और ध्यानपूर्वक आप करिएगा स्टेप बाय स्टेप। यदि आपने एक बार भी इधर उधर ध्यान से हट गया तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो ध्यानपूर्वक इस पर ध्यान दीजिए। आधार प्रमाणीकरण करने के पश्चात यदि छात्र छात्रा के विवरण में कोई त्रुटि है तो हाँ करें, अन्यथा ना करते हुए नीचे की ओर आगे बढ़ें। तत्पश्चात माता पिता अभिभावकों का आधार पूर्व से ही वेरीफाई है, अतः आपको नीचे वेरीफाइड पर क्लिक करते हुए उसे सेव कर देना है, क्योंकि पिछले वर्ष भी आपने छात्र छात्राओं का आधार वेरीफिकेशन पिछले कक्षा 7 और 8 यानी 2, 3, 4, 5 के ये स्टूडेंट्स होंगे, जो नई कक्षा के ही बच्चों के आधार आपको वेरीफाई वापस करने